नमस्कार, स्वागत है आपका। अजी बिहार झारखंड देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं रश्मि। चली रफ्तार के साथ हम देख लेते हैं 150 गांव की 150 खबरें। पटना में उगते हुए सूरज को सीएम नीतीश कुमार ने अर्घ दिया। सीएम के बड़े भाई सतीश कुमार की पत्नी ने छठ व्रत रखा था। पटना में चिराग पासवान ने भी परिवार के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। छठ महापर्व के समापन पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी घाटों पर मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने घाटों का निरीक्षण करने के साथ ही छठ व्रतियों का उत्साह भी बढ़ाया। पटना में पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने परिवार के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने अपने पूरे परिवार के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी छठ मनाने के लिए अपने गांव खराजपुर पहुंचे। बिहार की जनता को छठ की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस पर्व की सुंदरता यही है कि सभी लोग मिलकर परिवार के साथ मनाते हैं इस पर्व को। नवादा में विभिन्न घाटों पर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया, जिसके बाद लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बेतिया में छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। भागलपुर में विभिन्न घाटों पर छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। बेगूसराय में लोक आस्था के महापर्व पर उगते सूर्य को अर्घ दिया गया। इसके साथ ही छठ का समापन हो गया। छठ पूजा के बाद बक्सर के गंगा घाटों पर एनडीआरएफ ने चलाया स्वच्छता अभियान। मुहिम को जारी रखने की लोगों से अपील की। गोपालगंज में छठ महापर्व की धूम दिखी। महापर्व के समापन पर लोगों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। जहानाबाद में छठ महापर्व के समापन पर छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। इस मौके पर पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। छपरा के बनियापुर गंडक नदी तट पर हजारों छठ व्रतियों ने उदयमान सूर्य को अर्घ दिया। इसके साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। मुंगेर में भी उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। पटना सिटी में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही चार दिन तक चलने वाले छठ महापर्व का समापन हो गया। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए सुबह से ही घाटों पर भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। बक्सर में जेल में बंद महिला कैदियों ने छठ महापर्व के समापन पर उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित किया। कुल 12 महिला कैदियों ने छठ का पूजन विधि विधान के साथ किया। नालंदा के बड़गांव और आंगरी धाम में आस्था के महापर्व छठ पर उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित किया गया। सूर्योपासना का महापर्व छठ उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हो गया। सहरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड में छठ घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर की आराधना की। औरंगाबाद में उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित किया गया। इसके साथ ही चार दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का समापन हो गया। लोक आस्था के महापर्व छठ के अंतिम दिन आज लोगों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। विभिन्न नदी घाटों पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु जुटे। सहरसा में छठ पूजा के मौके पर शहर के शंकर चौक के ठाकुरबाड़ी घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने मोदी फ्री टी स्टॉल लगाकर छठ व्रतियों सहित छठ घाट पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मुफ्त में चाय पिलाई। गया में लोक आस्था का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया गया। चार दिन तक चलने वाले इस पर्व का उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही समापन हो गया। सीतामढ़ी के मंडलकारा में भी छठ की छटा देखने को मिली। छठ व्रतियों ने जेल में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। जेल प्रशासन ने कैदियों के लिए पूजन सामग्री और कपड़ों का इंतजाम किया। खगड़िया में विभिन्न नदी तालाबों के किनारे छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। गया में सुखरी गांव में छठ व्रतियों ने सूखे के चलते कुएं में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। सिमडेगा में छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना। लोहरदगा में भी विभिन्न घाटों पर छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित किया। लोक आस्था का महापर्व छठ उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही समाप्त हो गया। सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण किया। खूंटी में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। धनबाद में नदी और तालाबों पर बने घाटों पर उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित किया गया। इसके साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। गढ़वा में भी छठ महापर्व के समापन पर दामरो नदी के तट पर हजारों छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को नमन किया।
पाकुड़ में छठ पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। सुबह छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और छठ मैया की पूजा आराधना की। गिरिडीह के शास्त्री नगर में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने सूर्य भगवान को नमन किया। पाकुड़ में छठ पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस पर्व का समापन हो गया। जमशेदपुर में सीएम रघुवर दास ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। सरायकेला में छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ संपन्न। चलिए अब आपको कुछ और खबरें दिखाते हैं। गोपाष्टमी महोत्सव की सफलता को लेकर शहर में एक जागरूकता सह शहर भ्रमण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस भ्रमण में गौ माता को पूजा अर्चना कर पूरे शहर में घुमाया गया। नवादा में सोने की चेन चुराने के आरोप में महिला ने पुलिस को गिरफ्तार किया। महिला को चोरी करते हुए स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी के मारुति साड़ी की कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। कपड़े की होलसेल दुकान में यह घटना घटी। भागलपुर के बरारी गंगा घाट पर उस समय एक युवक नदी में डूबने लगा जब वो नदी में बहते हुए नारियल को निकालने की कोशिश कर रहा था। बेगूसराय में छठ पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में गोली चलने से एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घटना मुफस्सिल थाना इलाके के बड़ी गांव की है। दानापुर थाना इलाके के आसूपुर गांव में आपसी रंजिश में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। वैशाली जिले के महुआ में छठ घाट जाने के दौरान एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को ठोकर मार दी जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जमुई में एक घर में आग लगने से कैश समेत लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बाढ़ अनुमंडल के मुकामा प्रखंड के मोरपुरी गांव में नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। बच्ची छठ पर्व मनाने के लिए अपनी मां के साथ नदी में गई। नवादा के गोविंदपुर थाना इलाके में खेल खेल के विवाद में दो गांव के लोगों के बीच जमकर मारपीट। गोविंदपुर थाना इलाके के सुगरी और थाली गांव के बीच में दो युवकों के बीच क्रिकेट मैच को लेकर विवाद हुआ। बांका जिले के अमरपुर थाना इलाके के तितरिया मोड़ के पास बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान विशुनदेव कुमार के रूप में की गई। कटिहार में छेड़खानी के मामले में धारदार हथियार से आरोपी पर हमला किया गया। शरीर पर कई हिस्सों में जख्म देखे गए हैं। कुंदन मछली बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर्स ने कटिहार में श्रद्धालु छठ व्रती की मौत पर आक्रोशित हुए परिजन और स्थानीय मृतक के शव के साथ उग्र प्रदर्शन किया। पटना सिटी अनुमंडल में मलबीघा गांव के पास सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में 32 साल के युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मधुबनी जिले में क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा। अज्ञात युवक का शव बरामद। रहीका थाना पुलिस ने पोखरौनी गांव के एनएच 105 के किनारे से किया शव बरामद। बक्सर चाइल्ड लाइन इन दिनों दोस्ती कार्यक्रम पखवाड़ा मना रहा है। इसके तहत बक्सर रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख जगहों पर चाइल्ड लाइन के सदस्य कैंप लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाकर इसे लोगों को भी जोड़ा जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए टोल फ्री नंबर 1098 का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। बिक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान घात लगाए अपराधियों ने गोलीबारी की जिसमें पालीगंज आरएलएसपी प्रखंड अध्यक्ष अमित भूषण उर्फ टूटू की अपराधियों ने हत्या कर दी। बेगूसराय जिले के नावकोठी थाना इलाके में डफरपुर के पास बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। मधुबनी जिले के अरेर थाना इलाके के एक तारा गांव में जलकर विवाद हुआ है और फायरिंग भी हुई है। विवाद के दौरान गांव के युवक संतोष सैनी ने जीतन सैनी पर पिस्टल से फायरिंग की। भोजपुर जिले का कुख्यात अपराधी मनीष सिंह उर्फ हीरो को पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस ने हीरो को पीरो थाना इलाके के जितौरा बाजार के पास मार गिराया। झारखंड का 18वां स्थापना दिवस कल यानी 15 नवंबर को मनाया जाएगा। नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि वर्तमान सरकार में राज्य ने उन्नति के कई आयाम छुए जो कि गर्व की बात है। वहीं उन्होंने माना कि जितना विकास होना था उतना नहीं हुआ है। झारखंड राज्य के स्थापना दिवस को लेकर गढ़वा जिला में प्रशासनिक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। गढ़वा टाउन हॉल के मैदान में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। सरायकेला के आदित्यपुर में कांग्रेस पार्टी के जिला कैंप कार्यालय का उद्घाटन विधायक गीता कोड़ा ने किया। टोरी रेलवे क्रॉसिंग गेट पर लगे जाम ने फंसने से मरीज की मौत। टोरी जंक्शन स्टेशन मास्टर दिलीप की मां की तबीयत बिगड़ने से उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन जाम की वजह से यह हादसा हो गया। बोकारो में सीसीएल कथारा वॉशरी के कोयला स्टॉक में लगी भीषण आग। करोड़ों का कोयला धू धू कर खाक। सीसीएल प्रबंधन आग बुझाने में भरा काम।
जामताड़ा के केलाही गांव में हुए मारपीट और आगजनी की घटना को लेकर दोनों पक्ष की तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस घटना में एक पक्ष के 3 लोग जख्मी हुए। लोहरदगा में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बंद घर से पूर्व चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष के भाई के घर से 4 लाख के कीमती गहने और कीमती सामानों पर चोर हाथ साफ करके फरार हो गए। गढ़वा में युवक की मौत नदी में डूबने से हो गई। युवक घर से नहाने के लिए गांव में ही नदी में गया हुआ था, अचानक गहरे पानी में डूबने से यह हादसा हो गया। धनबाद सुदामडी थाना इलाके के रहने वाले बीसीसीएल कर्मी को डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सुदामडी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। गढ़वा में NH 75 पर एक बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया। 2 तेज रफ्तार से आ रहे ट्रकों की भिड़ंत हो गई। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हजारीबाग के किसान फसलों के सूखने से परेशान है। खुद सांसद केंद्रीय सह नागरिक उज्जैन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी ने साफ तौर पर झारखंड सरकार से गुहार लगाई है कि सूखा घोषित इस इलाके को करना चाहिए। सीएम रघुवर दास पहुंचे जैप ऑन ग्राउंड, जहां उन्होंने नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। मौके पर सीएम समेत कई पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। साहिबगंज में नगर थाना इलाके में हुई हत्या के विरोध में परिजनों ने नगर थाने का घेराव किया। NH 80 को जाम कर दिया। परिजनों ने जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी की मांग की है। पलामू के लेसीगंज मुख्य बाजार के तालाब में डूबकर कुंज बिहारी भुइया की मौत हो गई। कुंज बिहारी भुइया की पत्नी ने छटपट किया था। गोड्डा में नवनिर्मित कृषि कॉलेज में स्थानीय ग्रामीणों ने किया विरोध। कॉलेज जाने वाली सड़क को किया जा रहा है बंद। इसी सड़क से होकर स्कूल समेत कई गांवों का रास्ता निकलता है। घाटशिला के गुराबंदा तहना इलाके में गौ तस्करी के आरोप में 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। ये दोनों लोग अपने संबंधियों के यहां शादी का निमंत्रण देने गए थे। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार सिर्फ कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, जिससे राज्य की जनता का विकास पीछे छूट जा रहा है। दुमका नगर थाना इलाके के बगानपाड़ा शांति नगर मोहल्ले में एक मकान में गैस सिलेंडर फटने से 6 युवतियां गंभीर रूप से झुलस गई हैं। युवतियां कमरे में छोटे सिलेंडर से खाना बना रही थी। धनबाद के केंगो थाना इलाके में रहने वाले दिव्यांग दंपति ने अपने भाइयों पर मारपीट करने, घर से निकालने और पैतृक संपत्ति पर कब्जा जमाने की कोशिश का आरोप लगाया है। गोड्डा के बसंतराय थाना में जमीन विवाद में चली गोली, जिसमें 55 साल के शख्स की मौत हो गई। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। संथाल परगना के DIG राजकुमार लकड़ा ने जामताड़ा के केलाही गांव में आगजनी, तोड़फोड़ और मारपीट के मामले का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद मिहजाम थाना में DIG ने अधिकारियों से घटना के विस्तार रूप से जानकारी दी। सहरसा में अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली, शख्स की हुई मौत। सदर थाना इलाके की घटना